Let's do question number 17. So of exercise 18A, that is mean, median and mode of ungrouped data. Question number 17 is the average weight of a class of 39 students is 40 kg. Friends, 39 students ka average weight de rakha hai 40 kg. When a new student is admitted to the class, ek naya student class mein aaya, to average decreased by 200 grams. Tab a एवरेज जो था वो 200 ग्राम से डिक्रीज हो गया. हमें न्यू वेट निकालना है, स्टूडेंट का न्यू स्टूडेंट का वेट निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए मीन वेट हमें 39 स्टूडेंट्स का 40 केजी दे रखा है. तो मीन वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 40 केजी. राइट right? अब क्या हुआ है, एक स्टूडेंट आ गया है, तो मीन वेट क्या हो जाएगा, मीन वेट ऑफ 39 प्लस 1 दैट इज 40 स्टूडेंट्स का मीन वेट क्या हुआ है, जो पहले था उसमें से डिक्रीज हो गया है 200 ग्राम्स. राइट फ्रेंड्स, ये 0.200 लिखो या 0.2 लिखो, बात एक ही है. कैसे आया कि 200 ग्राम्स था, उसको हमने डिवाइड कर दिया 1000 से केजी में कन्वर्ट करने के लिए. तो ये क्या आ गया, 0.2 केजी कहो या 0.200 केजी कहो, बात एक ही है. राइट फ्रेंड्स, तो ये कितना आ गया, ये देखिए 39.8 kg आ जाएगा. कैसे आया ये देखिए, 40 में से 0.0 में से 0.2 माइनस किया, 10 में से 2 गया 8, 9 and 3. राइट, ये आ गया. अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इस नए स्टूडेंट का वेट निकालना है. तो कैसे करेंगे, जितना सम टोटल पहले था और अब जो आया उसको माइनस कर देंगे तो हमारा वेट आ जाएगा. तो हम देखिए 39 स्टूडेंट्स की बात करते हैं पहले, 39 स्टूडेंट्स. राइट, तो मीन था हमारा सम ऑफ ऑल स्टूडेंट वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट. राइट, अब मीन क्या था हमारा, 40 इक्वल्स टू सम हमें निकालना है, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट वेट डिवाइडेड बाय नंबर कितने थे हमारे, 39. ये यहाँ डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया. सम ऑफ ऑल स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ना, 39 का वेट कितना था हमारा टोटल, ये आ जाएगा 39 मल्टीप्लाइड बाय 40 दैट इज 0 एज इट इज, 4 9 36, 3 कैरी 12 13 14 एंड 15 1560 kg आ गया. राइट फ्रेंड्स, अब हमारे कितने हो गए, 40 स्टूडेंट्स. तो 40 स्टूडेंट आ गया. अब मीन क्या निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, आप चाहें तो बार बार लिखें ज्यादा अच्छा है, एक बार भी लिख सकते हैं. स्टूडेंट वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट. राइट, तो मीन वेट कितना निकल के आया, 39.8. सम हमें निकालना है, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट वेट डिवाइडेड बाय कितना, कितने स्टूडेंट्स हो गए अब, 40. तो सम कितना आ गया, ये यहाँ डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई का हो गया, 40 मल्टीप्लाइड बाय 39.8. पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 8 32, 3 कैरी 36 37 38 39, 3 4 12, 13 14 and 15 kg. राइट फ्रेंड्स,
अब न्यू स्टूडेंट वेट कैसे निकालेंगे, देखिए न्यू स्टूडेंट वेट इक्वल्स टू वेट ऑफ ज्यादा में से कम माइनस करते हैं, तो वेट ऑफ 40 स्टूडेंट माइनस वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ गया, कितना था 1592 माइनस 1560, तो कितना आ गया 2 एंड 9 में से 6 गया 3, 32 kg इज द आंसर। Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.